तेरी कुर्बानी कोई जगते न तेरा थानी दादा तन तेरी कुर्बानी कोई जगते न तेरा थानी यहां देखे के सनशानी खालसा खालसा अमर रहे खालसा अमर रहे जदों हार गले पाया सी तन
पाया सी दिल नाल दिल टकराया दिल ने ओ फरमाया खालसा तेरी कुर्बानी कोई जग ते ना तेरा थान तेहा ते के थन निशानी खालसा खालसा अमर रहे खालसा अमर रहे हो सिख बाग दे ब्रह्मी माली सचियां सुचियां आत्मावां दे दिलां दी धड़कन मजलूमां दे दर्दी दुखियां दे दारू सच्चाई अते गुणां दे खजाने वालिए कुल आलम साहिबे सहाबा हजूरे अनवर सरवरे कायनात फखरे मौजूदात दसा पातशाहियां जी दे अगमी जोत साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन हजूरी अंदर साजी नवाजी साध संगत जी करो रसना पवित्र मनु लियाओ चढ़दियां कला विच गज वज के बुलाओ फतेह वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जिस दर पे चुके ना सर उसे दर नहीं कहते जिस दरबार उते जाके किसे दा सिर ना निमे तां उसनु दरबार नहीं आख्या जा सकदा जिस दर पे चुके ना सिर उसे दर नहीं कहते जो दर दर पे चुके उसे सिर नहीं कहते काबे में तो कह देते हैं काफर को पी काफर मगर गुरु घर में काफर को काफर नहीं कहते। इस दरबार उते जिन सेवया तिन पाया मान इस दरबार चो की मिलता है खालसा जी मिलता करमा वालिया नू है क्योंकि बिन भागा सत संग ना लब्बा है बिन संग तो मैल भरीजा जियो। उस वाहिगुरु दी अपार कृपा दे नाल दो घड़ियां सतसंग करन दा समा मिलिया है कुछ विचार सांझे होंगे उस परमात्मा दी साजी हुई इस धरती दे उत्ते वसदे संसार दे वासियो इस संसार बारे कुछ सोचिया की है कुछ नहीं सोचिया और यदि असलियत कलगियां वाले पातशाह यार करके गए ने अपने मुखार बंदे विचों जो मुझको परमेश्वर उचरा है सोजन नरक कुंड में पर है मैं हूं परम पुरुष का दासा देखन आया जगत तमाशा। ये संसार एक तमाशा है उस वाहेगुरु दा रचिया होया इस तमाशे अंदर 84 लाख जूना दब सेबा है अपनी मर्जी कोई आत्मा कर नहीं सकती क्योंकि हुक्म ही हुक्म चलाए रहो इस संसार उस परमात्मा वाहिगुरु दे हुक्म नाल चलता है। हर आत्मा दी कोई ना कोई ड्यूटी लाउंदा है परमात्मा किसे आत्मा दी ड्यूटी खा होण वास्ते किसे आत्मा दी ड्यूटी खाण वास्ते किसे दी ड्यूटी कुछ करन वास्ते किसे दी कुछ कराउण वास्ते। खालसा जी उस वाहेगुरु ने अपार कृपा की थी दस दे ढाडी जथे दी कोई ड्यूटी लाई की सी हाँ ढाडी वेकार कारे लाया किस कारे नौजवानों दे दिलां अंदर सुती पई आत्मा नू गैरत दे नाल भरन वास्ते ढाडी वारां पेश करन वास्ते। खालसा जी अपार कृपा होई किसे अहुदे दे उते लिया के सेवा करवाई मेरे पातशाह ने। हर मनुख अपनी अपनी सेवा करदा है अज प्रचार दी जरूरत है कौम अंदर रण तत्ता है
पंजाब दी धरती दे उत्ते लोहा पिघल चुका है। प्रदेशां दे विच लोहा गर्म तां की लोहा ठंडा जापदा है। कुछ झाकियां देखियां 84 दियां ब्लू स्टार दे टाइम बहादुर कौम दे गभरुआं दे जज्बात भड़के, पर अज नहीं, प्रचार दी जरूरत है। परमात्मा जिस हस्ती दी ड्यूटी लावे वह ड्यूटी निभाउंदा है। सिंह वीडियो सरदार सुखदेव सिंह ढिल्लों ड्यूटी लाई प्रचार दी कि ढिल्लों साहब समा मंग करता है प्रचार दी, प्रचार विच हिस्सा पाओ। निमाणे नूं दास दे नाची जथे नूं याद कीता, संगत दे चरणा विच कुछ समय दे उत्ते विचार होवेगी। ताड़ी जथा गुरमेल सिंह बड़ैच, सरंगी मास्टर ज्ञानी गुलचरण सिंह जी बड़ैच ते बिकर सिंह जी माणकपुरी, दास दा नाम है अजीत सिंह कुहाड़, शाहकोट दे इलाके दा जिला जलंधर हिंदुस्तान दे विच। साहिब दा हुक्म होया, जिथे हुक्म होया उथे पहुंच गए। जो हुक्म हुण होया वो हुक्म मन के संगत दे चरणां विच कुछ विचार पेश करन लगे। पंजाब दी पवित्र धरती, इस धरती दे उत्ते अज तों पहलां की हुंदा सी, ये दसण वास्ते इतिहास दे पन्ने मौजूद ने। खालसा जी, जे इतिहास दियां पन्नियां दी फोड़ा फराणी करिए सपने इक आवाज बुलंद करदे ने। अज तों 500 पौने 19 साल पहला राय पोए दी तलवंडी ननकाणा साहिब विखे पूजिया माता तृप्ता दी कुखों एक पूरन संत अगमणे मर्द नेकी अते सच्चाई दे महान पैगंबर ने जन्म लिया। हलसा जी, इस धरती दे उत्ते किसी महान हस्ती दी मांग उदो हुंदी जदो अत जरूरत हो। गुरु नानक पातशाह ने नीचता दी दल दल थले दबे कुचले जा रहे मनुख नूं एक आदर्श मनुख बनाउण वास्ते बीड़ा चुकिया। कोई उमंग लैके कोई उम्मीद लैके पहुंचे सन संसार दे उत्ते। उन्हां दी उम्मीद सी मैं सच नूं पैदा करन वास्ते एक अनोखी वखरी कौम नूं जन्म देंगा, और एडे हठी सिरड़ी सन अपनी उम्मीद नूं पूरा करके गए। बाबर दियां चक्कियां पी के घोड़ियां वटे विक के दातू वर्गियां तो लत्तां खा के तत्तियां तवियां ते सड़ के खंडे मार के तेगां खा के पिता नूं शहीद करवा के माता नूं शहीद करवा के सरबंस नूं वार के सिर वड्डे अमृत लिया, अमृत दित्ता, एक लासानी इतिहास रच के रख दित्ता। खालसा जी, उस वाहिगुरु ने जो इतिहास रचिया उसके पुत्रा ने बहादुरा ने सूरबीरा ने इतिहास रचिया। आ 500 साल के समय अंदर मैं स्वयमान नाल आख सकता हाँ दूसरिया कौमां ने हजारा साल भी यहोजे इतिहास की रचना नहीं की। उस इतिहास के पन्ने पलटने हैं। इस पंजाब की धरती उत्ते जदों अत का जन्म होया, पिछों वेद पुराण बोलते ने कृष्ण भगवान ने दुनिया नूं समझाउण दी खातर अर्जन दी राही भगवत गीता विच लिखिया है, जदों इस हिंदुस्तान की धरती दे उत्ते कलयुग का समा आवेगा तां धर्मी उडारी मार जाएगा, चार चुफेरे कूट की अमावस छा जाएगी। उस समय विष्णु भगवान अवतार धार के इस धरती ते आउणगे। भगवत गीता अंदर दर्ज है अवतार धार के आए जा नहीं, पर इतिहास ने अपनी अखी देखिया है जदों 15वीं सदी अंदर बाबर जरवाणे ने हिंदुस्तान की हालात नूं कमजोर कर दिता तां उस समय राजे छी मुकदम कुत्ते दा आवाज़ एक फकीर दी जबानों बुलंद होया सी। उस फकीर दे कारनामियां ते कुर्बानियां दे उते नजर मारिए। कुर्बानियां क्यों कीतियां? साडी आजादी दी खातर,
साड़ी अणख दी खातर साड़ी गैरत दी खातर सानू आजाद करके गए सानू नीचा तो सरदार बना के गए और जेहो जे बना के गए ओहो जे रहे नहीं खालसा जी कथनी और करनी दे विच फर्क पै गया है। इस पंजाब दी धरती दे उत्ते पंजाबी सभ्यता जड़ी पठाना दे बूटा ने दर्ड सिटी सी उस पंजाबी सभ्यता नू गुरु नानक पातशाह ने हर जफर जाल के बरकरार रखिया और हिंदी सभ्यता दे वारसा ने उस गुरु नानक पातशाह दा किन्ना क सत्कार कीता जिसने हिंदी सभ्यता नू होंद विच रखिया उसनू की सन्मान दिता। जयपुर जोधपुर जेल दियां सीखां कोलों पुछिया जा सकता है उन्हों भैणा कोलों पुछिया जा सकता है जिन्हां दे सीने अंदर वीर विछोड़े दा सल पै गया वो मावां दस सकदियां हन जिन्हां दे गभरू पुत्र हरिमंदर साहिब मत्था टेकन गए वापस नहीं मुड़े। खालसा जी अज दे समें दे उत्ते भी कुछ विचार होवेगी कि मेरे सच्चे पातशाह ने अनेकां यफर जाल के अनेकां मुसीबतां दा टाकरा करके सानू की बनाया सी। पंजाब दी धरती दा चप्पा चप्पा कौम दे बहादरां ने अपने खून दे नाल रंग दित्ता लहू नुचड़दा इतिहास लैके बैठी है कौम और कौम मंदे हाली क्यों। सो खालसा जी इस पंजाब दी धरती दे उत्ते इस पवित्र धरती दे उत्ते अनेकां हस्तियां चढ़ के आईयां इत्थे गजनी वर्गे चढ़ के आए मुगल चढ़ के आए पठान चढ़ के आए इस धरती दे उत्ते अंग्रेज भी चढ़ के आए जदों सिर विच वज्जियां ते इस धरती नूं छड्ड के जांदे रहे। इस धरती दे उत्ते सदियां बद्दी राज कीता है पर जदों वज्जियां छड्ड दित्ता इस धरती नूं। इस पंजाब दी धरती दे उत्ते एक सिख कौम पैदा होई है जिहड़ी कई वेर इस धरती दे उत्ते मिटी है ते कई वेर चढ़दियां कलां दे विच गई है एहो जी अटुट सांझ पै चुकी है ना पंजाब दी धरती सिखां नूं छड्दी है ना पंजाब दे सिख पंजाब दी धरती नूं छड्दे हन। खालसा जी इस पंजाब दी धरती ने बड़े बड़े वली पीर पैगंबर अवतार सूरमे पैदा कीते और उत्थे ही इस पंजाब दी धरती ने गधार भी पैदा कीते। इस पंजां दरियावां दी पवित्र धरती नूं मुखातब करके पंजाब दे शायर ने चार लाइनां कागज दे सीने उत्ते इंज लिखियां भाई ਵਾ ਧਰਤੀ
पंजाब दिए खुश रे तारती पंजाब दिए Oh,
ਧਾਰਿਆ 239 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਰੰਗ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾੜਦੇ ਗਏ, ਕੌਮ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, पर जदों समय ने मंग कीती कुर्बानी दी, पंचम पातशाह गुरु नानक पातशाह दे पंजवें तख्त उत्ते विराजमान सन, तां शहादत दे जाम पीने पए। खालसा जी, गुरु नानक पातशाह ने बाबर दियां चक्कियां पी के तत्तियां तवियां ते सच्चे सतगुरां ने सड़ के समय नूं रंगत दित्ती, किहो जिही जिहो जिही मंगी। सबर मंगिया समय ने, चक्कियां भी पीसियां, घोड़िया वटे भी विके, दातू वर्गियां कोलों लत्तां भी खादियां, और समय दी जालम सल्तनत नूं दस दिता कि सिख कौम अंदर सबर कितना कु है। खालसा जी, समय ने मंग कीती सदक दी, जेठ सुदी चौथ 1663 ईस्वी बिक्रमी दी गल है। लाहौर दी धरती दे उत्ते पानी दा लाल तत्तियां तवियां दे उत्ते सड़ रहा है, उत्ते गर्म रेता सिर विच पाई जा रही है। एक दीवा जगदा है, दीवे दे कोल जाके एक पतंगा घूमन लग पिया, इश्क सी प्यार सी दीवे दे नाल। घूमदे घूमदे पतंगे ने दीवे नूं सवाल कीता, एक दिन दीवे नूं कहा पतंगड़े ने, साढ़े जहा कोई आशक जहान है नहीं, हर कोई मरन तो त्रास त्रास करदा, साढ़े वान कोई वार दा यान है नहीं, साड़ी कौम वर्गी होर कौम अगे भाई सड़के मरन वाला इम्तिहान है नहीं, साढ़े प्रेम दी शोभा ना करे जेड़ी, ऐसी मुख विच कोई जबान है नहीं। दसिंग बाजली आज दे दीवे आवे, होर जग ते प्राण भाए किस किस, खातर अपने यार दी दस मैनू जीऊं दे, अपने तन जलाए किस किस। सोलह ने सही सवाल सी पतंगे दा, सर मरदा दीवे दी लाट उत्ते, पर दीवे ने अग्गे जवाब दिता, दीवे आखिया एवें ना माण कर तू, ऐडा आना तार हंकार अंदर, वे सरताज शहीदां दा नहीं सुनिया, पंचम गुरु मशहूर संसार अंदर खुशी नाल बैठा लोहा सर्दियां ते, मारी चौंकड़ी याद करतार अंदर, तत्ती रेत कड़छे विच सीस पैंदी,
ਉਹ ਵੀ ਸੜਦਾ ਏ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੁਲਾਰ ਆਲੂਆਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲੇ ਖਾ ਲਏ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਦਸਤੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੁਸੱਲਾ ਵੇਚ ਔਰ ਖੰਜਰ ਖਰੀਦ ਔਰ ਬੇਅਕਲ ਸੂਫੀ ਟਕਰਾਨੇ ਕੋ ਤੇਰੀ ਫਕੀਰੀ ਸੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਐ ਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਸੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ ਖੰਡੇ ਖਰੀਦ ਲਾ ਤੇਰੀ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇਗਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਕਲਮ ਨੂੰ ਕਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਬਾਹੂ ਬਲ ਕਿਤਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਯੋਗੀ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਨਾ ਦੰਗੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੰਗ ਤਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਗੁੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਤਿਕਰਤਾ ਰੱਖ ਗਏ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 8 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 19 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਹੋਏ ਮਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਸਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖੋ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੀਰ ਤੋਪਾਂ ਤੱਕ ਫੇਟ ਕਰੇ ਖੁਸ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਫੌਜ ਬਣ ਗਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਚੂੜੇ ਦੇ ਕੇ 5 ਚੂੜੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਬਣੇ ਹਾਂ ਆਪ ਕੀ ਕੀਮਤ ਦਿਓਗੇ ਅਮਰਤ ਦੀ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘੋ ਅਮਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਮਰਤ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੇਲਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇਵੇ ਸੌਦਾ ਸੌਬਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇਸ ਅਮਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ 5 ਚੂੜੇ ਲਏ ਉਹਨਾਂ 5 ਚੂੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਚੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ 13 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ 1704 ਈਸਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਸੂਮਾਂ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ 7 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀਂਦੇ ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿਓ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਅਣਖ ਵਾਲੀ ਸ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲਾਮਦੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਬਈ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਸੂਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਤਵਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਾਜ ਆ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ
कौम दे मासूम बहादुर उठ के खड़े हो गए। अकाल अकाल दे जयकारे छड़े। राजा ने गारा बिछा लिया, इटा दी चढ़ाई होनी शुरू हो गई। बिरद माता ठंडे बुरज दे विच कैद है, बत्तियां दंदां दे अंदर एक कोमल जबान भी वस सकती है, जालमां दे अंदर कोई नरम दिल भी वस सकता है। एक जलाद गारे दे पज निकलिया, जाके मात गुजरी दे नाल कुछ बचन कीते। शहर दी कल्पना कहिंदा भज्जा गारे दे पज जलाद आया, आके मात गुजरी ताई कहन लगा, जोड़ा जोड़ा संभाल के रखिया सी माता भोलिए ओ भी नहीं रहन लगा। एक जोड़ा चमकौर शहीद होया, दूजा नीयां दे विच अज ढहण लगा, तक जिन्हां नूं सूरज शर्मांदा सी तेरे चन्नां नूं लगन ग्रहण लगा। माता भोलिए उठ के वेखते सही, तेरे बेटे दे बेटे अज जा रहे ने, रेशम विच लपेट के रख दी सै, इट्टां विच लपेटे अज जा रहे ने। माता जुल्म होया तेरे बच्चियां ते, दोवें सूरतां प्यारियां गुजर गईयां, गया गुजरिया शहर भी आखदा ए वे गुजरी उत्ते कुहारियां गुजर गईयां, गुजरी उत्ते कुहारियां गुजर गईयां। माता गुजरी ने अगों जवाब दिता, कदे प्रचारक बोलिया करदे सन के माता गुजर कौर बहुत कमजोर दिल सन, जदों पता लगा मेरे पोतरे मेरे कोमल फल अंगारां दे उत्ते भुन दिते गए, तां बुरज दे विचों छाल मार दिती, ये सदमे नूं बर्दाश्त नहीं कर सकी। खालसा जी मात गुजरी कमजोर दल, मन नहीं मानदा, कदे बिल्ली ने शेर नूं नहीं जनिया, शेर नूं शेर नहीं जानदी है। गुरु गोबिंद सिंह वर्गियां उच्चियां आत्मावां नूं कमजोर दल मां जान नहीं सकदी। माता गुजरी ने अगों जवाब दिता, वे मेरा नां गुजरी मेरी अल गुजरी, एहो जेही कुहारी ता मेरे उते कड़ी कड़ी गुजरी, पल पल गुजरी, पहला पति दिता फिर पोते दिते, हुण मौत कहिंदी आ तू ही चल गुजरी, इसे लई ता गुजरी आखदे ने जेड़ी आई सिर ते ओ मैं चल गुजरी। अजे कल दी गल है, देश बदले अपने जिगर दा खून तरंक दिता, तरिया ताज आजादी दे सीस उते, सीस पति दा चांदनी चौंक दिता। जाओ जाबरां दे पिंड जाके, मेरे सफर अवलड़े मुकणे नहीं, चुक जावे हो माला दा सीस भावे, कलगी तार दे लाडले चुकणे नहीं, कलगी तार दे लाडले चुकणे नहीं। अज भी कलगी तार दे लाडले सीनियां विच गोलियां खांदे ने मारदे ने, चुकदे नहीं। अकाल तख्त बाहां खड़ियां कीतियां तां गदारा ने, सरकार दियां जालम सरकार दियां पिठुआं ने चमचियां ने, जेड़े तनखा लेंदे सरकार कोलों, बाणा पा लिया कलगियां वाले पातशाह दा। अकाल तख्त जो के वीर रस दा अखंड सागर है, उथे जाके बाहां खड़ियां कीतियां, सिख इतिहास दे वरके नूं सुनहरी अखरां नूं काले करना चाहिया, पर नहीं, दस इतिहास दियां पन्नियां दे उत्ते लाल अखरां विच लिख के जावेगा के बाहां गदारां ने खड़ियां कीतियां, सरकार दियां बंदियां ने खड़ियां कीतियां। कलगियां वाले पातशाह ने साडी इस आजादी की खातर किन्नियां कुर्बानियां कीतियां, पर अपनी खातर ते हुण आपां लगे हां करन, पहला ते किसे दी खातर करदे रहे, अन्ने दे उत्ते भरोसा करके। हिंदू अन्ना है, अखां तो दिसदा नहीं, जुल्म करन लगा तकदा नहीं। मलेर कोटले दे नवाब ने आखिया सी वजीर खान नूं, वजीर खान शरा इजाजत नहीं दिंदी, कुरान शरीफ इजाजत नहीं दिंदी शीर खोरियां दे उत्ते वार करना, पर सुच्चा नंद ने मासूम जिंदड़ियां नूं सपोलिए बनाउण लगे ने, जरा ना सोचिया, दिसिया नहीं अन्ना है, दास दे बचन नहीं, हिंदू अन्ना ते तुरकू काना, तोहां ते ज्ञानी सियाणा गुरु ग्रंथ साहिब दे बचन ने, जे किसे नूं कोई शक होवे कोई अन्ने कहण ते गुस्सा करे तां गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल बचन कीते जा सकदे। खालसा जी कलगियां वाले पातशाह ने मजलूमां दी आजादी वास्ते
ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਵੀ ਦਸਿਓ ਜਰਕ ਗਏ ਨੇ ਚਮਖੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ 40 ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਰਫ ਹੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਚੀਕ ਉੱਠੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਛਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀਆਂ 17 ਉਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸੱਚ ਮੰਨੇਗਾ 40 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 40 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਲਸਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਥਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਥਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਕੁ ਚੰਦ ਕੁ ਬੰਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਢਾਡੀ ਜਿਥਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੀ
ਛੋਟੇ ਦੂਵੇਂ ਲਾਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫੁੱਟਾੜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੂਵੇਂ ਲਾਲ ਜੀ ਲੈ ਬੰਮੜਾ ਬੰਮੜਾ ਰੱਖੋ ਇਹ ਗੰਗੂ ਨਾਲ ਜੀ ਲੈ ਬੰਮੜਾ ਬੰਮੜਾ ਰੱਖੋ ਇਹ ਗੰਗੂ ਨਾਲ ਜੀ ਭੁੱਖਾ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਰਤੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਭੁੱਖਾ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਰਤੀ ਕੁਮਾਰ परम सत्कार्यो गुरु रूप गुरु खालसा जी मेरे पातशाह ने सानू इन सच्चिया सुचिया दरबारा दे विच दीवान लाउन वास्ते सानू आयाद करन वास्ते किन्निया क मुसीबतां दा टाकरा कीता कुछ क्या नहीं जा सकता सिर्फ इन्ना आख सकते हाँ कलगिया वाले पातशाह साडे पूजिया डैडी तू तन है तू तन है चमकौर दी गड़ी दे विचों अद्धी रात दे वेले अपने पंजवें पुत्र खालसा पंथ दा हुकम मन के चमकौर दी गड़ी नूं छड के चल पिया खालसा जी नंगे पैरी ताड़ी मारी नगारे ते चोटां लगियां के सिंघां दा गुरु जा रहा है युरत है ते उठ के गिरफ्तार करो खालसा जी उठ तुरिया पांदी प्रीत दा कर रैन बसेरा जद बार गड़ी तो चमकिया एक सुंदर चेहरा ओदे गल विच डिग्गा अरश तो फुल्लां दा सहरा सी दुखां भरी रात दा रिया पसर हनेरा ओदे मन दे मोती गवाच गए लुटिया गया डेरा ना आस किते दिन चन्न दी ना सांझ सवेरा ते अजे भी छड्डी भबकना वादा सिमिया शेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं सब कुछ है तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा करना पंथ आजाद मैं मन चाओ कनेरा चमकौर दी गड़ी नूं छड्ड के तुरे जा रहे ने नंगे पैरी जांदियां जांदियां दा पैर एक नरम जी हिकड़ी दे उते आया नरम नरम हड्डियां कड़क करके टुटियां
मन ने चाया कि तको ये कौन आत्मा है, बदल वाली छाई, नेर कुप, ठंडी रात, कुछ नजर नहीं आ रहा। बिजली दी चमक ने मदद कीती, चमकारा पिया, थले नजर मारी ता वड्डे पुत्र अजीत सिंह दी लाश सी। कमर कसा खोलिया, मैं अपने जिगर दे टुकड़े उत्ते कफन पा जावा। मन ने आख्या, गोबिंद सिंह और दूसरे जिगर दे टुकड़े नहीं, जिन्हां नूं शहीद करवा के आया है, उसे तरह कमर कस के तुरे जा रहे हैं। ना बाज है, ना ताज है, ना जोड़ा है, ना कोड़ा है। कंडिया ने फस फस के जामा लीरो लीर कर दिता, पैरां विच छाले, पैरां विच कंडे, कुदरत दे रंग। शहनशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर दी धरती दे उत्ते जदों अपने सुख हासिल ते आराम करदे सन, एक मखमल दी हीरे जड़ी चादर विछदी सी, 1,20,000 कीमत सी उस जमाने अंदर। काबल तो एक मसंद ने कुछ उगराई इकट्ठी कीती, व्यापारी सी, कुछ अपना दसवंध पा के 1,20,000 दी चादर खरीद के कलगियां वाले पातशाह दे सुख आसन ते बिछाई। उते सुख लिया करदे सन, बादशाह सी। अज ठंडी रेता दे उते आसन है, कोई कपड़ा नहीं, पौधा महीना। खालसा जी ठंडी रेता दे उते इट दा सराहना रख के सुख आसन कीता है। दरवेश दा रूप गुरु गोबिंद सिंह, कुदरत दे रंग ने राजिया महाराजिया नू भीख मंगा देंदी है। कुदरत दे रंग दसा की फरोल के मैं, आद नहीं अंत किते बहुत असा पढ़े देखे। जिन्हां दा दिमाग असमानी उड़े खंभ ला के, निक्की जी अड़ौनी च ज्ञानी असा अड़े देखे। राज दरबार हुंदा मान डिठा मूर्खां दा, अकलां दे तनी कई जंजीरां नाल कड़े देखे। जिन्हां दी दवाई नाल कोड़ियां दे कोड़ जामण, डॉक्टर हकीम कई पागल खाने तड़े देखे। फुल वजे पिंडियां ते लाश पैंदी जिन्हां नूं सी, शाहबाद जहे असी चरखड़ी ते चढ़े देखे। हिटलर स्टालिन कमाल पातशाह जे बंदे, थोड़े चिर विच ही मराद उत्ते चढ़े देखे। रूस बरतानिया जे ताकती मुल्क दोवें, जर्मन दे सामने असी बटेरे वांगू दड़े देखे। अठ अठ वीर जिन्हां मंत्रां च कीर छड़े, बंदा सिंह जहे सूरे पिंजरे च तड़े देखे। तली उत्ते जेड़े सी पहाड़ सारा रख लेंदे, हनुमान जहे असी लंका विच फड़े देखे। हनुमान जहे असी लंका विच फड़े देखे, रामचंद्र जहे असी डिठे बनवास विच। भीलनी दे कोल सुते रिशियां ने बड़े देखे, रावण जियां दा दीवा गुल हुंदा देखिया सी। हंगता दे खंभ असां बाली जियां दे झड़े देखे, नजरबंद होना पै गया जिंदा जियां राणियां नूं। सकियां भरावां दे दो दिल्ली विच धड़े देखे, कृष्ण जय भगवान दे अवतार दे उपदेश नाल सौरे जवाई गुरु चेले दुआपर विच लड़े देखे। ओए थे नानक जय पीर देखे बाबर दी चक्की पींदे, नानक जय पीर देखे बाबर दी चक्की पींदे। वेसवा दे बूए गए दसम गुरु खड़े देखे, गांधी जांदी मौत हुंदी देखी पस्तौल नाल। नेहरू ते पटेल जहे जेलां विच अड़े देखे, दुनिया दे विच जिहदा नाम कोई ना जानदा सी, मिस्टर जनाजे बादशाहां विच खड़े देखे। मखमलां दे विच जिहड़े सदा सी लपेटे रहिंदे, माछी वाले जंगलां च सुते असां रड़े देखे। गज के आखो सतनाम श्री वाहे। कलगियां वाले पातशाह इन्नियां कुर्बानियां कीतियां, चेत सुदी दास 1 वैसाख 1756 बिक्रमी मुताबक 30 मार्च 1699 ईस्वी नूं आनंदपुर साहिब दी धरती दे उत्ते केसगढ़ किले विखे तलवार नूं इक झटका दिता। तलवार दी तार ने सूर भीर पैदा कीते। उन्होंने अपने जन्म दिन तो 100 साल 3 महीने 7 दिन मगरों 7 जुलाई 1799 ईस्वी नूं लाहौर दे शाही किले दे उत्ते
ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਗਾ ਖਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕਟਵਾ ਕੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਖੋਪਰੀਆਂ ਤਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਗਦਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਘਾਲਣਾਂ ਘਾਲ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਲਮਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਧੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਸਬਾਸਰ, ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਾਇਕ ਨਾ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਬਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਠ ਪੂਰਨ ਮਾਨੈ, ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਛਾਣੈ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟਮੈ, ਤਬ ਖਾਲਸਾ ਤਾਹੇ ਨਾ ਖਾਲਸ ਜਾਨੈ। ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੰਦੇ ਦਿਨ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਸੱਬਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲਿਆ ਫੜਿਆ ਖੇੜਿਆ, ਲਪਟਾਂ ਖੁਸ਼ਬੋਆਂ, ਬੜਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸੱਬਰ। ਮੁਸੱਬਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜੀ ਸੱਤੀ ਦਿਨੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਵਹਿਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਗੇਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸੱਬਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਮੁਸੱਬਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾ, ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਟਹਿਕਦੇ ਢਾਲ ਤੇਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਟਹਿਕਦੇ ਢਾਲ ਤੇਰੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕਟਵਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਕੌਣ ਬੇਦਰਦ ਕਾਤਲ, ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੀਨੇ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਗਿਓਂ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਰਤੂਤ ਤੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਛੱਡ ਪਿਆਰ ਗਏ, ਅੰਮਾ ਜਾਏ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਂਝ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਮਨੋ ਵਸਾਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਈ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਗ ਸਮਝਾਂ, ਉਹੀਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਗਏ ਕਰ ਖਵਾ ਗਏ। ਜੰਗਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਮੁਸੱਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਦਸਤਾ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਹਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ